अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप सीखेंगे वन स्ट्रोक पेंटिंग स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए हम आपको कलर करके बताएंगे। उससे पहले फ्रेंड्स, हम कहना चाहेंगे अगर आप चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी अगली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप देख सकें हमारी हर डिज़ाइन। तो फ्रेंड्स, आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और फ्रेंड्स, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो मुझे मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, जिस तरह से मैंने बता रही हूँ वो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। काफ़ी खुशी हुई है जानकर, और इंशाल्लाह मैं दुआएं करूँगी कि आप सब और आगे जाएं, अब मुझसे भी अच्छी पेंटिंग करें। तो फ्रेंड्स, आप सब भी मेरे लिए दुआएं करें, मैं आप सबके लिए मेहनत कर रही हूँ, और इंशाल्लाह अगर आप दुआ करेंगे तो इंशाल्लाह मैं भी जो मैं चाहती हूँ वो मेरा पूरा हो जाएगा और मैं भी आगे जाऊँगी और इंशाल्लाह आप सबको भी कामयाबी मिले। मेरे लिए दुआएं करेंगे, इंशाल्लाह मैं भी आपके लिए दुआएं करूँगी। तो चलिए हम आपको वन स्ट्रोक पेंटिंग करके दिखाते हैं। फ्रेंड्स, देखिए हमने यहाँ पे 5 नंबर का फ्लैट ब्रश लिया हुआ है, मरून कलर, वाइट कलर। हमने दोनों कॉर्नर पे एक एक कलर लोड किया है यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हैं। और कलर को हमें थोड़ा ज़्यादा लेना है, क्योंकि जब तक ब्रश में हमारा कलर ज़्यादा नहीं होगा तब तक हमारे कलर जो हैं वो अच्छे से कपड़े पे या फिर पेपर पे जो भी आप यूज़ करते हैं उस पे ब्रश हमारा जो है अच्छे से नहीं चलेगा, क्योंकि कलर हमारा अगर कम पड़ गया तो इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह पे यहाँ पे छूट गया है कलर। तो उस तरह से ब्रश में जितना ज़्यादा आप कलर लेंगे तो उतना ही अच्छा रहेगा। और अगर आपको लगे कि कलर थोड़ा थिक है तो आप ब्रश को वॉश करके हल्के कपड़े से उसको मतलब थोड़ा सा दबाते हुए उसको साफ़ कर लें, फिर उसके बाद दोनों कॉर्नर पर कलर लें और इस तरह से जिस तरह से मैं प्लेट में इसको मिक्स कर रही हूँ उस तरह से मिक्स करें, फिर स्ट्रोक लगाएं। इससे जो आपका स्ट्रोक है वो अच्छा बनेगा और काफ़ी फिनिशिंग भी आएगी। तो आप देख सकते हैं पहला स्ट्रोक मेरा छूट गया था और दूसरा स्ट्रोक मेरा बहुत सही बना है। ठीक, तो आप इसमें देखते जाइए, हम आपको इन स्ट्रोक पेंटिंग स्टेप बाई स्टेप हर चीज़ बना के देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इस तरह से आप बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। ये रोज़ डिज़ाइन इससे तैयार होती है। आप इस तरह के डिज़ाइंस जो है, ये सब जो पेटल्स मैं बता रही हूँ ये रोज़ में यूज़ होते हैं, तो एक एक पेटल्स मैं करके बता रही हूँ। इसकी रिक्वेस्ट आई थी कि मैं एक एक पेटल्स करके बताऊँ, तो देखिए मैं एक एक पेटल्स करके दिखा रही हूँ, जो जो मुझे याद है वो मैं करके बता रही हूँ। तो इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में बताइए ज़रूर, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को स्किप ना करिए, पूरी वीडियो देखिए। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको पूरी वीडियो ज़रूर देखनी पड़ेगी। अगर आप वीडियो मिस करेंगे तो आप कहीं ना कहीं चूक जाएँगे, कोई बात आपकी छूट जाएगी, मेरी कोई बात छूट जाएगी जो आप सुन नहीं पाएंगे, तो आगे चल के आपको परेशानी हो सकती है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो हम मुझको फॉलो करें और मेरी वीडियो को पूरा देखें, शुरू से लेकर आखिरी तक देखेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एक चीज़ मैं बना रही हूँ। अगर इस तरह से आप भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आप भी आगे बना पाएंगे। इस तरह से थोड़ी सी आपको हाथ की सफाई करनी ज़रूरी है, आप अपने हाथ में सफाई लाएँगे तो आप कोई सी भी चीज़ बना लेंगे। देखिए, एक हमने ये पेटल्स जो हाफ है रोज़ के साइड में रहता है, तो आप अपने हाथों को जैसे हमने एक साइड का ये शेप दिया है, आप जब भी बनाएं दोनों साइड से बनाएं, ताकि आपके जो ये मैंने उल्टा शेड दिया, क्योंकि जो राइट साइड से बनाते हैं राइट साइड से वो शेड हमारे अच्छे बनते हैं। ये मैंने लेफ़्ट साइड से घुमाया हुआ है इसलिए कि जो आराम से हमसे नहीं बन पाते हैं हम उन्हीं की कोशिश करते हैं कि वो हमसे अच्छे बने। तो जो हम राइट साइड से बनाते हैं वो तो सिंपली बन जाते हैं, लेकिन जो रॉन्ग साइड वाला होता है यानी कि लेफ़्ट साइड वाला, वो नहीं बनता है। तो इसलिए मैंने लेफ़्ट साइड का बना के आपको दिखाया है। और देखिए इस तरह से ये
फ्लावर के बीच में अक्सर ये हम बनाते हैं, फिर इसके बीच में हम छोटा सा फ्लावर का जो खुलता हुआ रहता है, बिल्कुल छोटी सी कली होती है, वो बनाते हैं। देखिए दोनों इस तरह से पहले छोटा छोटा निशान लगाए, और यहाँ पे देखिए इस तरह से आप थोड़ा सा इस तरह कर दें, देखिए इस तरह से ये बहुत अच्छा लगता है। अगर इस तरह से आप कली भी बनाएंगे, जैसे कपड़ा वगैरह ड्रेस वगैरह प्रिंटिंग करते हैं, तो उसमें ये छोटे छोटे फ्लावर अगर आप डाल देंगे तो भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है, क्योंकि जो सूट वगैरह होते हैं उनमें छोटे छोटी कलियाँ और छोटे रोज़ बहुत अच्छे लगते हैं। तो अगर आप वन स्ट्रोक के पूरे सूट बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। आप इन चीज़ों को जोड़ के छोटे छोटे फ्लावर तैयार कर सकते हैं। आपको ये अगर प्रैक्टिस आ जाएगी, अगर आपको करना आ जाएगा, आपका हाथ साफ हो जाएगा, तो आप वन स्ट्रोक के छोटे छोटे फ्लावर बना सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं पूछते हैं कि मैं प्लेट का यूज़ नहीं करती हूँ, मेरे कलर्स नहीं ख़राब होते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं प्लेट का यूज़ नहीं करती हूँ, अगर मुझे कलर चाहिए होते तो मैं कैप में निकाल के कैप से यूज़ करती हूँ। और आप देख ही रहे हैं कि प्लेट मैंने लिया है, यानी कि चीनी मिट्टी का सासर हमने लिया हुआ है, उसमें सासर में हम मिक्सिंग करते हैं और इसे बनाते हैं, और इसमें आसानी से हमारा जो कलर है वो छूट भी जाता है और थोड़ी गंदगी नहीं होती है। तो मुझे ज़्यादा कलर वगैरह लग जाता है तो बहुत गंदा दिखता है, इसके लिए मैं ये प्लेट यूज़ करती हूँ। इसमें पानी डालने के बाद कलर अपने आप छूटने लगते हैं और ज़्यादा देर तक नहीं रहते। अगर सूख भी जाए तो भी हम पानी इसमें डाल देंगे और हल्का हल्का रफ़ कर देंगे तो हमारा कलर निकल जाता है और हमारा प्लेट साफ़ हो जाता है। तो इसके लिए मैं ये चीनी मिट्टी का प्लेट यूज़ करती हूँ। आप चाहें तो टाइल्स भी यूज़ कर सकते हैं, टाइल्स होती है जो ज़मीन में लगवाते हैं घर में सब, वो टाइल्स का भी यूज़ कर सकते हैं, उस पर से भी हमारे कलर आराम से निकल जाते हैं। मैं इसलिए प्लेट का यूज़ नहीं करती। प्लेट मैंने बहुत सारे देखे हैं, जो लोग पेंटिंग करते हैं उनके प्लेट में कलर काफ़ी सूखे हुए लगते हैं और पूरे लगे हुए होते हैं, इसके लिए मैं वो सब मैं प्लेट का यूज़ नहीं करती हूँ। और जहाँ पे भी हमारे प्लास्टिक मैंने मतलब मैं जो रखती हूँ, जिसमें रख के कलर पेंटिंग करती हूँ, वो भी प्लास्टिक का वो बॉक्स होता है, उसमें रख के करने पे वो कभी कभी लग जाता है तो छूटता नहीं। कभी कभी आपने देखा होगा कि गंदे से दिखते हैं, तो इसके लिए मैं ज़्यादा ये मतलब प्लास्टिक चीज़ नहीं यूज़ करती हूँ, प्लेट भी नहीं यूज़ करती हूँ, उसमें लग जाता है तो नहीं छूटता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हम किस तरह से बना रहे हैं, ये इसमें मैंने आपको लीफ भी बताया है और रोज़ की पंखुड़ियाँ बताई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं जो है कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं भूल गई थी, वीडियो को मैंने पुश किया हुआ था, मतलब यानी कि स्टॉप किया हुआ था, तो आपको ये बताना भूल गई, तो मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए। देखिए मैं फिर से जो ये चीज़ बनाई हूँ आपको बना के दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से, आप ब्रश पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप देखिए ब्रश को मैं कैसे कर रही हूँ, ब्रश को किस तरह से घुमा रही हूँ, किधर लेके जा रही हूँ, ये सब आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये सब आप ज़रूर देखिएगा ताकि आपको आराम से जो भी आप बनाना चाहते हैं वो आराम से बना पाएँ। और हाँ फ्रेंड्स, एक और ज़रूरी बात कि आपके जो ये कलर हैं, जब हम तो कपड़े पे मतलब पेंटिंग्स करते हैं, तो कपड़े पे पेंटिंग करते हैं तो हमारा जो कलर है वो ठीक नहीं होता, उसमें हम थोड़ा पानी डाल के उसको मतलब लूज़ कर देते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह से पेपर पे करते हैं तो आप कलर में ज़्यादा पानी ऐड ना करें। ब्लैक कलर में जब ब्लैक कलर पे करेंगे तो उसमें पानी ज़्यादा बिल्कुल ना ऐड करें, क्योंकि ब्लैक कलर पे हमारा जो ब्लैक का पेंटिंग है वो बहुत हल्की हो जाती है और अच्छी दिखती नहीं। तो आप उसमें कलर में ज़्यादा पानी ना ऐड करें। ब्रश को मैंने जैसे बताया कि ब्रश को पानी में घुमा लें, उसके बाद कपड़ा अपने पास रखें, उससे दबा के साफ़ करें, ऐसा करें कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा निकल जाए और बहुत थोड़ा बहुत उसमें रहे, बहुत थोड़ा सा पानी उसमें रहे। जब दोनों ब्रश पे दोनों कॉर्नर पे कलर लोड करेंगे, जब उसको मिक्स करेंगे, जैसे कि हम प्लेट में मिक्स करते हैं, इस तरह से मिक्स करेंगे तो आपका जो ब्रश में जो पानी होगा वो अच्छे से कलर में आ जाएगा और जो आप बनाएंगे वो अच्छे से बन जाएगा। जैसा कि आपके सामने मैं जो बना रही हूँ, देखिए इस तरह से, इसी तरह से आप भी बना पाएंगे।
तो यहाँ पे हमने देखिए लीफ की दोनों साइड की जो मतलब एक साइड से दोनों साइड से हमने लीफ को आपको करना बताया, इसको दोनों को एक दूसरे में ज्वाइन कर देंगे तो हमारी जो लीफ है वो तैयार हो जाएगी। और इसी को मैं अगर दोबारा इसी पे बना दूंगी तो हमारी लीफ मुड़ी हुई बन जाएगी, उसको भी मैं आपको करके दिखा दूंगी ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो देखिए हमारे लीफ का हाफ हाफ पार्ट हमने बनाया हुआ है, अभी मैं आपको फुल लीफ भी बना के दिखा दे रही हूँ ताकि आप उसको भी जान लें कि किस तरह से हम कितनी आसानी से उसको बना सकते हैं। नीचे वाला जो हमारे ब्रश का कॉर्नर रहेगा वो हमें बुरी तरह से नहीं घुमाना है, बहुत हल्का बहुत थोड़ा थोड़ा उसको मतलब जो खिसकाते हैं ब्रश को ऊपर लेके जाते हैं बहुत थोड़ा थोड़ा खिसकाना रहेगा, और ऊपर वाला जो हिस्सा रहेगा उससे थोड़ा ज़्यादा चलेगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? ब्रश को जब हम चलाएँगे तो नीचे वाला पार्ट जो है हमारा बहुत हल्का चलना चाहिए और ऊपर वाला थोड़ा घूमते हुए ज़्यादा चलना चाहिए, यानी कि ऊपर वाली साइड जैसे घड़ी की सुई घूमती है बीच में एक जगह पर रहती है उसी तरह हमें अपने ब्रश को, लेकिन इस ब्रश को हमारे थोड़ा नीचे वाला जो पार्ट है वो थोड़ा चलाना है। घड़ी की सुई तो बिल्कुल बीच में टिकी रहती है और सिर्फ घूमती है ना, तो हमारे ब्रश जो है नीचे से भी चलेंगे लेकिन कम चलेंगे और ऊपर से ज़्यादा होंगे। ये सब समझाने के लिए आपको मैं बोल रही हूँ कि आपको समझ में आ जाए, इंशाल्लाह आप मेरी बातों को समझेंगे, ज़रूर समझेंगे। इस तरह से हम दोनों साइड से अपनी पंखुड़ियाँ लीफ बना सकते हैं, तो आप देख सकते हैं हमारी लीफ भी बन गई है। और इसी तरह से हम स्टेप बाय स्टेप अपनी जो स्ट्रोक पेंटिंग है आपको दिखा दिए हैं, इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा और उम्मीद करती हूँ कि आप कोशिश भी करेंगे। यहाँ पे आपको मैं एक रोज़ बना के दिखा देती हूँ छोटा सा, यहाँ बीच में देखिए जैसे हमने आपको ऊपर साइड बताया ये बीच में वही पार्ट बना रही हूँ मैं जो हमने आपको ऊपर बताया। अब इसके अंदर आप इससे छोटा भी बना सकते हैं, फिर उसको देखिए मैंने इसको यहीं पे कंप्लीट कर दिया है, लेकिन आप उसके अंदर भी उससे छोटा बना सकते हैं और उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, आप जितना बड़ा उसको बनाना चाहें मतलब जितना घना बनाना चाहें तो उसमें उतनी लेयर डाल सकते हैं। हमारा रोज़ भी तैयार होगा, छोटा सा तैयार हो गया। तो इंशाल्लाह आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, साथ ही हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पेपर पे वन स्ट्रोक पेंटिंग करने के लिए आप जो है कलर में ज़्यादा पानी ना ऐड करें, नहीं तो आपकी जो पेंटिंग है काफ़ी हल्की हो जाएगी। और देखिए आप इस तरह से छोटे छोटे फ्लावर भी तैयार कर सकते हैं, बहुत सिंपल है इसे बनाना, बस आप थोड़ा सा ब्रश वगैरह पे ध्यान देंगे तो आपको भी आराम से आ जाएगा।
से पतली पतली लीफ कहीं कहीं हम डाल देते हैं, और दोनों कलर से मिक्सिंग कलर लेके आप डंठल भी इस तरह से बना सकते हैं। देखिए बीच बीच में लीफ के हमारे इस तरह से, देखिए ये सब लाइनिंग है, जड़ें रहेंगी। और देखिए यहाँ से हम रखेंगे इस तरह से, देखिए हमारी लीफ मुड़ी हुई दिख रही है यहाँ पर, देखिए इस तरह से, देखिए आप इस तरह से बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, इजी बनाना है आपको। देखो यहाँ से भी आप बनाएंगे, कितना इजी है इसे बनाना। सॉरी यहाँ पे छिप गया है, वही सेम चीज़ रहेगी, सिर्फ दूसरे साइड से हमने ले जाके मिला दिया उसमें। देखिए इस तरह से, ये सब चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ कि ताकि आप जहाँ भी जो जोड़ना चाहें, ज्वाइन करना चाहें, लीफ को मोड़ना चाहें, वो आप सब इजीली बना सकते हो। तो देखिए यहाँ पे हमारी पेंटिंग कैसी लगी आप, इतना सब मैंने बनाया दिया आपको, दिखाया। इंशाल्लाह इसके बाद आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको करना चाहिए। आप कलर को मिलाते हुए ब्रश में काफ़ी ध्यान दें कि हमारे कलर अच्छे से मिक्स हों, और हमारे ब्रश में जो हमारे ब्रश हैं उसमें कलर मिक्स हों, मतलब अच्छे से मिक्स हों ब्रश में, अच्छे से कलर लोड हों, और इस तरह से तब आप आराम से जो बनाना चाहते हैं वो आराम से बना पाएंगे। तो आज के फ्रेंड्स में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। तो हमें याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।